हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन, जैसा कि हमने मॉर्निंग में आप लोगों को बताया भी था कि आज हम लोग जो आंसर की अपलोड हुई है CUET की तरफ से, उसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं और उनको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनमें आप लोगों को डाउट है, तो वो भी हम क्लियर कर दे रहे हैं। और आज का हमारा जो सेशन है वो डिटेल डिस्कशन सेशन क्लास नहीं है, सिर्फ वो क्वेश्चंस पे ही हम डिस्कस करने वाले हैं जिनके आंसर्स गलत अपलोड हुए हैं। तो काइंडली आप उनको चैलेंज कर देना, और जो चैलेंज करने के लिए हमारे पास टाइमिंग है वो है 7th of April, मतलब कल तक का टाइमिंग है। आप लोग प्लीज़ ये 2-3 क्वेश्चंस जो हम बता रहे हैं उसको ज़रूर से चैलेंज करना। हम क्वेश्चन आईडी बता दे रहे हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पेपर में अलग अलग सीक्वेंस में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये जो मेरे पास पेपर है इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर। इसकी आईडी है 7239। अब एज पर आंसर की इसका करेक्ट आंसर है कि करेक्ट आंसर होना चाहिए BCD ओनली। सबसे पहले तो देखो, क्वेश्चन में बोला है ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर, और ड्यूटी में कह रहा है टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, टू रिपोर्ट वेदर द PL अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। एक ऑडिटर की ड्यूटी कभी भी बैलेंस शीट को एंड फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की नहीं होती। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है, भले ही CUET को अपडेट ना करे, बट ये क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है। क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसे पूछना चाहिए था कि इनमें से कौन सी ड्यूटी ऑडिटर की नहीं है, तब करेक्ट आंसर होता ABC, क्लियर। वो भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। एंड पहले ऑप्शन में लिखा है टू मेजर्स बिजनेस इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ PL एंड कम्युनिकेट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। अब मेजर करना बिजनेस इवेंट को, ये इनका काम नहीं है। ऑडिटर का काम होता है कि वो ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं और ये देखते हैं कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर, जो आपका PL अकाउंट है, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल फेयर एंड ट्रू पिक्चर दे रहा है कि नहीं, यही सिर्फ उनकी ड्यूटी होती है। तो एज पर गिवन ऑप्शन सिर्फ करेक्ट आंसर इसमें डी होना चाहिए। एंड हमने पहले बताया कि एज पर CUET करेक्ट आंसर BCD ओनली है, बल्कि इसका एक फिफ्थ ऑप्शन होना चाहिए था डी ओनली। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है। अगर CUET ने इस क्वेश्चन को इनकरेक्ट डिक्लेयर किया तो इसके मार्क्स सारे स्टूडेंट्स को मिलेंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, एज पर गिवन क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 35 है, और 35 की क्वेश्चन आईडी है 7248। क्वेश्चन पूछा था वेयर टाइटल इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज इन डिस्प्यूट द मैटर हैज टू बी रिजॉल्व्ड बाय। एज पर गिवन आंसर की आंसर दिया हुआ है कंपनी लॉ बोर्ड, बल्कि ये गलत है। क्योंकि अगर कंपनी के शेयर्स के टाइटल में डिस्प्यूट होगा तो वो रिजॉल्व सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, कोर्ट कर सकती है, ना कि कंपनी कोर्ट, क्लियर। बेसिकली सिविल कोर्ट इसको डील करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 1, एंड एज पर गिवन आंसर की आंसर दिया हुआ है 3, तो ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर होगा 1, तो ये आप लोग ज़रूर से चैलेंज करना। नेक्स्ट जो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट है, वो है क्वेश्चन नंबर 56। उसका आंसर करेक्ट दिया हुआ है, बट एक बार हम दोनों से डिस्कस कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखोगे ना, तो क्वेश्चन में पूछा था कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन। अब देखो, अगर हम एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात करें या एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो इसके लिए सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन 80CCD। सेक्शन 80CCD में फर्दर 3 सेक्शन है। पहला है 80CCD सबसेक्शन 1, फिर है 80CCD सबसेक्शन 1B, और एक है 80CCD सबसेक्शन 2। तो ये जो पहला दो सेक्शन है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1B, ये बेसिकली डिनोट करता है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को, एंड सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 ये डिनोट करता है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसका करेक्ट आंसर 80CCD सबसेक्शन 1B होना चाहिए। 1B तो तब होता ना जब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता, ठीक है। और क्योंकि सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 नहीं दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट ही होगा। आंसर की में भी फर्स्ट दिया हुआ है, क्योंकि 80CCD ओवरऑल मेंशन करता है अबाउट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अभी तक हमारी तरफ से हमने दो क्वेश्चंस बताए, तो क्वेश्चन नंबर 20 बताया, उसका आईडी पे बताया, एक क्वेश्चन नंबर 36 बताया है,
नहीं 35 बताया है, उसकी भी क्वेश्चन आईडी बताइए आप लोगों को। एंड एक और हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 आई गेस, हम इसकी भी क्वेश्चन आईडी आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि ना बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ये शफल किया हुआ है। इसकी क्वेश्चन आईडी है 7247। क्वेश्चन में पूछा है कंपनी कैन रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन बाय स्पेशल नोटिस और बोर्ड रेजोल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए अ रेजोल्यूशन बाय स्पेशल नोटिस, बट आंसर की में इसका करेक्ट आंसर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, बट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा थर्ड, तो इसके लिए भी आप लोग क्लेम कर सकते हो। एंड ओवरऑल हमारे आंसर की में मेरे अकॉर्डिंग यही तीन क्वेश्चंस थे जिसके करेक्ट आंसर अपलोड नहीं किए गए हैं, बाकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कंफ्यूजन हो सकता है कि हमारी तरफ से कुछ क्वेश्चन छूट गया हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना कि क्या आपके अकॉर्डिंग भी किसी क्वेश्चन में एरर आपको लग रहा है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम ज़रूर से उस क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे। एंड कल तक हम कोशिश करेंगे कि इसकी डिटेल डिस्कशन क्लास भी अपलोड कर दें, क्योंकि इस बार तुम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन है एंड आगे भी अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का नो डाउट एग्ज़ाम कंडक्ट होना है एंड ये क्वेश्चंस तो सारे ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए रेलेवेंट रहेंगे, चाहे HPU हो, ओडिशा CPET हो, PUCET हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, अब किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, ये क्वेश्चंस नो डाउट सारे रेलेवेंट है, तो इसकी डिटेल डिस्कशन सेशन ज़रूर कंसिडर करना। एंड एक और आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि कल जब हम लोग डिटेल आंसर की अपलोड कर देंगे तो कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स ज़रूर मेंशन कर देना विद कैटेगरी, क्योंकि देखो कैटेगरी बहुत रेलेवेंट है, कैटेगरी के साथ अपने मार्क्स मेंशन कर देना एंड हम अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स कितने जा सकते हैं वो कल ही अपडेट भी कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास रेलेवेंट लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी एंड जितनी जल्दी हो सके प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन चैलेंज कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।